गाइस जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो चीज़ आ गई है। पबजी मोबाइल की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई है, क्रैफ्टन गेम्स की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई है कि पबजी मोबाइल इंडिया कब रिलीज़ होने वाला है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि पबजी मोबाइल इंडिया ना रह के अभी हो गया है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। तो ये गेम कब लॉन्च होगा, इसकी कब रिलीज़ डेट है, इसका रजिस्ट्रेशन प्री रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा और क्या क्या लीक्स मिले हैं हमें, तो इस वीडियो में चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज सुबह क्या हुआ कि पबजी ने अपनी नए गेम की जो वेबसाइट है वो लॉन्च कर दी है। उसका नाम है, उसका जो नेम है वो है बैटल ग्राउंड मोबाइल India.com। ये उस वेबसाइट का नाम है। और हमें कैसे पता चला कि यही वेबसाइट है, क्योंकि पबजी मोबाइल ने सभी अपने जो पबजी मोबाइल इंडिया का जो पूरा पेज रहता है उस पर सभी तरफ ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे जो इंडिया का जो स्पेशल पेज रहता है उसे सभी पे नाम दे दिया है कि बैटल ग्राउंड इंडिया, ऐसा नाम दे दिया है। सभी ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब का भी अपने उन्होंने अपना अलग से चैनल बना लिया है। तो अभी फाइनली पबजी मोबाइल विल कम बैक इन इंडिया, तो ये सबसे बड़ी न्यूज है आज की पबजी मोबाइल से रिलेटेड। तो मैं बताता हूँ आपको गेम कैसे होगा, गेम के फीचर्स क्या होंगे। तो पबजी ने कुछ अपने इसमें भी फ़र्क किया है। तो पबजी ने बताया है कि गेम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, जो कि इंडिया के इस पर बेस हो सकता है, जिसमें कि आउटस्पीड इवेंट सब जो कि है इंडिया के जो इस पर संस्कृति के ऊपर रिलेटेड हो सकता है। तो उसके बाद पबजी ने बताया है कि इस गेम जब रिलीज़ होगा उससे पहले इसके प्री रजिस्ट्रेशंस ले जाएंगे, प्री रजिस्ट्रेशंस होंगे और वो जो रजिस्टर किया है उनको ही पहले गेम खेलने को मिल सकते हैं। और उससे गेम की पॉपुलैरिटी भी समझ में आ रही है, इससे बहुत बड़ी हाइप क्रिएट होगी पबजी की, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो उन्होंने और भी कुछ इंडिया के लिए प्राइवेसी के इश्यूज पर भी सॉल्व किए हैं कि अभी जो 18+ जो होते हैं उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी गेम खेलने के लिए, उनके पेरेंट्स का नंबर उधर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तभी आप गेम खेल सकते हो। और जो 18 माइनस उनको अभी वो ज़्यादा देर तक गेम नहीं खेल सकते, उनको सिर्फ 2-3 घंटे का ही ऐसा कुछ लिमिट रखा जाएगा, उसके ऊपर वो गेम नहीं खेल सकते। और पिछली बार कुछ भी पबजी का नाम भी ख़राब हुआ था, जिसमें कि वो कांड हुआ था यूसी के बारे में, कि छोटे बच्चे अपने मम्मी डैडी के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से यूसी खरीद लेते थे। अभी जो 18 माइनस के जो बच्चे हैं वो अपने 7,000 के ऊपर कभी भी शॉपिंग नहीं कर सकते पबजी मोबाइल में। तो पबजी मोबाइल ने ये बढ़िया फीचर निकाला है। तो गवर्नमेंट के साथ भी पबजी मोबाइल ने सभी सॉर्ट आउट कर लिया है, सभी अभी पबजी के लिए कुछ भी इशू बाकी नहीं है। पबजी ने ये भी बताया है कि ये गेम इंडिया में ही खेला जा सकता है, इंडिया के बाहर कोई भी इस गेम को नहीं खेल सकता, ये सिर्फ लिमिटेड इंडियन वर्जन है। तो ये गेम सिर्फ इंडिया और इंडिया के लिए ही है। हमने अभी दिखाया था वो पबजी मोबाइल का ही लोगो था, जो कि अभी बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल के नाम से अभी इन्होंने दिखाया, जो कि तिरंगे के रंग में रंगा गया है। ये एकदम धांसू लोगो दिख रहा है। तो क्या आपको ये लोगो पसंद आए कमेंट में बताइए। रजिस्ट्रेशन्स लिए जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि ये एक डेट फिक्स करेंगे। तो अभी तक जो प्री रजिस्ट्रेशन की डेट मुझे लगता है वो की है 11th of May या फिर 21 of May, 21 of May या फिर 11 May के कभी भी इधर ये हो सकता है पबजी का प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसमें देखेंगे ये लोग कि कितनी गेम की है, उसके हिसाब से गेम की अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जब भी प्री रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगा उसके 1 महीने के बीच में गेम ज़रूर आ जाएगा। ये पबजी ये जो सभी गेम ऐसा ही करते हैं कि जब भी प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है उसके 1 महीने के बाद गेम पर आ जाएगा। तो ये गेम किस किस इस पर लॉन्च होगा, सबसे पहले तो ये गेम एंड्रॉयड के लिए लॉन्च होगा, उसके बाद आईफोन के लिए होगा, बाकी उसके बाद होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय पबजी।